मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक रोजा डोडा दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कम्युनिटी हॉल डोडा में कारकुनान से खिताब किया। एनडीडीसी चेयरमैन और दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। साथ ही उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अहदेदारों की आला सतही मीटिंग की सदारत भी की। प्रोग्राम में शिरकत के दौरान उन्होंने पेशरफ्त मंसूबे को लेकर डोडा कैंसिल की मीटिंग की सदारत की। आवामी रैली को खिताब करते हुए तमाम तरक्याती कामों की रफ्तार के बारे में बताया। वाजे हो कि डोडा किश्तवाड़ से करीब 2000 कारकुनान इस रैली में जमा हुए थे। हिंदुस्तान का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन, तो इतना सरमाया है, इतना कुदरती सरमाया है इस पूरे के पूरे खित्ते में, नेशनल रिसोर्सेज है जिसकी तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो देश विदेश से यहाँ पर लोग शोध करने आएंगे, बच्चे अध्ययन करने आएंगे। साथ ही साथ अरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन, जिसे मीडिया ने बैंगनी क्रांति का नाम दिया और जिसका उल्लेख देश भर में हो रहा है, विदेशों में भी, उसका आगाज, उसका प्रारंभ, उसका जन्म भी भद्रवाह से हुआ। लेवेंडर कल्टीवेशन, लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री टेक स्टार्टअप का एक नया कॉन्सेप्ट वहां से उभर करके आया है। जो बच्चे उसमें जुड़ गए, जो नौजवान उसमें जुड़ गए, आज लाखों में खेल रहे हैं।